और अभी आपको एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। निगरा वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। निगरा वफाकी काबीना 8 निकाती एजेंडे पर गौर कर रही है। आपको ये खबर दे रहे हैं, निगरा वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे फहद चौधरी से। जी फहद, बताइएगा इजलास शुरू हो चुका। जी देखिए, मुमकिन तौर पर निगरान वफाकी हुकूमत का आखिरी काबीना इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें अहम एजेंडा आइटम जो है वो है तुर्की की वजारत दिफा की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टर्किश आर्म्ड फोर्सेज लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड के हुसूल की मंजूरी पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग की तैनाती और ड्रैप के तहत इसके दायरे अख्तियार पर गौर हो रहा है। कमर्शियल एक्सप्लोजिव की तैयारी के मौजूदा लाइसेंसों में तरामीम भी एजेंडे का हिस्सा है और मुल्की मजमुई मुआशी और अमनो अमान की सूरत हाल पर भी काबीना में जायजा लिया जाएगा। ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।